आईपीएल का सबसे बड़ा मैच अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा धोनी वर्सेस कोहली का ये मैच था चिन्ना स्वामी स्टेडियम। सबसे पहली बात जो मैं कहूंगा अब्दुल्ला भाई, मैच सीएसके को मार गयो, मैच को छोड़ दो आप, ये वाहिद टीम है, ये जिस स्टेडियम में जाती है इनकी फैन फॉलोइंग नजर आती है। आपको पता है आरसीबी का स्टेडियम हमेशा लाल होता है आरसीबी के लिए, मुंबई का स्टेडियम हमेशा नीला होता है जब मुंबई का मैच होता है, लेकिन जब सीएसए का मैच होता है तो मुंबई का स्टेडियम भी येलो होता है और आरसीबी का स्टेडियम लाल के बजाय येलो होता है। और आज उसको कहते हैं ना क्राउड, मैं देख के बड़ी खुशी हुई, ये क्या वजह है मुझे नहीं समझ आती कि सीएसए की इतनी फैन फॉलोइंग कैसे है, पूरे इंडिया के अंदर है, अदरवाइज आरसीबी किसी और जिसको कहते हैं ना शहर के अंदर जाके मैच खेले इतनी फैन फॉलोइंग आरसीबी की नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन फिर भी जबरदस्त किस्म जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं आज का मैच भी हुआ। और मजे की चीज ये कि हम गए हुए थे पाकिस्तान वर्सेस जिसको कहते हैं ना न्यूजीलैंड का तीसरा T20 मैच देखें जो कि पाकिस्तान हार गया एंड पे जाके, लेकिन पहली इनिंग जो थी सीएसके की जिसमें सीएसके ने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की वो हम इधर ही देख रहे थे, उसके बाद हम मैच देखने गए थे और वहां पे जो कहते हैं ना फिर आरसीबी की इनिंग हमने देखा नहीं घड़ा के, अभी जिसको कहते हैं ना हाइलाइट्स में देखा आरसीबी की इनिंग। सबसे पहले मैं बात करूं सीएसके की, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अजिंक्य रहाणे को क्या हो गया, ये रहाणे तो ऐसा प्लेयर ही नहीं था, ऐसी स्मूथ हिटिंग करता है, इतनी प्यारी हिटिंग करने लग गया हुआ, क्या जबरदस्त किस्म की हिटिंग कर रहा है, साथ ही साथ डेविन कॉनवे शुक्र है कॉनवे इधर नहीं था, ये जो हम आज का मैच हारे हैं कॉनवे होता तो पता नहीं क्या होता, कॉनवे जिसको कहते हैं जो वहां बल्लेबाजी कर रहा है शुक्र है यहाँ पे नहीं है, मतलब के बचे तो यू अभी उनके 8-9 प्लेयर उधर बैठे हुए हैं, अगर वो भी इधर होते तो पता नहीं कितनी मुश्किल सीरीज हो जानी थी हमारे लिए, लेकिन आज जिसको कहते हैं ना बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, और शिवन दुबे लेकिन यार मानना पड़ेगा बड़ा जबरदस्त हिटर है, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि जब इतनी परफेक्ट सिचुएशन है, जब इतना सब कुछ सही हुआ है तो फिर एमएस धोनी क्यों नहीं ऊपर आता, मतलब एंड पे आया, धोनी को आज ऊपर आना चाहिए, एक बॉल खेली अगर धोनी पहले आ जाता जडेजा से ऊपर आ जाता किसी कुछ नहीं होता राइडू की जगह ही आ जाता, तो ये 226 जो रन थे ना ये मेरा ख्याल है 250 भी हो सकते थे, धोनी क्यों नहीं आता, लेकिन एट दी एंड क्या हुआ आप सब जानते हैं आरसीबी हार गई। अगर आपने तो वैसे प्रेडिक्शन की थी, लेकिन अगर आप प्रेडिक्शन करते तो क्या करते आरसीबी करते RCB. आप भी, मैंने भी आरसीबी पिक की हुई थी, हम दोनों की टीम जिसको कहते हैं ना हार गई आरसीबी, और दुख बताऊं किस चीज का, दुख ये नहीं है कि आरसीबी हारा, दुख ये है कि आरसीबी जीता हुआ मैच आ रहा। ग्लेन मैक्सवेल मैंने कल सुबह वाली वीडियो में कहा था, मैंने कहा था विराट कोहली नहीं चलेगा तो आरसीबी कुछ नहीं होगा, लेकिन इन्होंने साबित किया, फैब डू प्लेसी क्या स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था, ग्लेन मैक्सवेल क्या बल्लेबाजी कर रहा था, अब्दुल्ला भाई 36 बॉलों पे 76 कोई आम बात है, ऐसी जबरदस्त किस्म की उसने बल्लेबाजी की, उसके बावजूद जिसको कहते हैं ना आपकी टीम, ये आरसीबी का बहुत बड़ा मसला है, दिनेश कार्तिक आज लग रहा था जिसको कहते हैं ना मार देंगे लेकिन फिर भी वो आउट होकर चले गए, और कोई इनके पास प्लेयर ही नहीं है, मतलब कि हद ही हो गई है, समझ नहीं आ रही कि कर तो करके आने बंदा कोई अच्छे प्लेयर्स को ही ले लेता, कोई अच्छे लोकल प्लेयर्स ले लेते, कि हर दफा हर मैच आप क्यों हार रहे हो, कि आप इसको कहते हैं ना विराट कोहली ग्लेन मैक्सवेल फैब डू प्लेसी के बाद आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है। अब इनकी सिचुएशन क्या थी, 18 बॉलों के ऊपर इनको 35 करना था, अभी आपने देखा इफ्तकार है जो खेल रहे थे तब पाकिस्तान को 18 बॉलों के ऊपर 43 के करीब रन चाहिए थे और उन्होंने आखिरी ओवर में 15 पे ले आए थे, फिर 3 बॉलों में 5 रह गए तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन यहाँ पे 18 बॉलों पे आपका वहाँ पे बॉलर भी एंड पे आ गए थे, यहाँ पे 18 बॉलों पे आपका 35 रहता है यार, बैट्समैन थे, मैं समझता हूँ कि बल्लेबाजी कर सकते थे, ये जितवा सकते थे, ये तो आईपीएल यहाँ पे ग्राउंड में हिट हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपसे हिट ही नहीं होती, आखिरी ओवर में 19 रह जाता है, फिर भी जिसको कहते हैं छक्का भी लगता है, लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं ना 8 या 9 रन से ये लोग हार गए आरसीबी वाले। अब आरसीबी माशाल्लाह से 5 में से 3 मैचेस हार चुकी है, 2 जीती हुई है और सीएसके जिसको कहते हैं ना अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही, लेकिन एट दी एंड धोनी ने साबित किया कि धोनी जैसा कहता है ना बड़ा कप्तान है, धोनी की आपको दाद देनी पड़ेगी, जब मैक्सवेल और डुप्लेसी मार रहे थे ना जो उसे जैसा कहता है ना उनकी विकेट्स निकलवाई है वो धोनी को क्रेडिट जाता होता है। और उसके अलावा जो मैं समझता हूँ जो मैच का टर्निंग पॉइंट था ना वो था 18वां ओवर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 रन पड़े और 1 विकेट आई, ये जो श्रीलंका के बॉलर है पथिराना जबरदस्त किस्म की इसने बॉलिंग की है, जबरदस्त किस्म की इसने बॉलिंग की और मैच को बना के दिया, अगर उस ओवर के अंदर मैं समझता हूँ कि 10 या 12 रन आ जाते ना तो आरसीबी ने मैच आराम से ले जाना था, लेकिन जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। आपको क्या लगता है आरसीबी के जिसको कहते हैं क्या वजह हारने की सबसे बड़ी, यार आरसीबी एंड पे ना जो इन्होंने स्कोर नहीं किया वही मेन वजह है, लेकिन आज देखे आज कोहली भी नहीं चला, लेकिन कोहली नहीं चला ना तो वो इतना उसका इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि नीचे फैफ बहुत अच्छा खेला, फिर उसके बाद मैक्सवेल बहुत अच्छा, 12 ओवर में 140 था वही ना,
मैं स्टेडियम में बैठे, मैं तो कह रहा था प्रीत भी को, मैं कहा ये तो आरसीबी जीत जाएगा, बड़े आराम से जीत रहा है। यहाँ पे ना मोबाइल पे ना मैच लगाया हुआ था स्टेडियम के अंदर बैठे, मैं इसको दिखा रहा हूँ कि देखो मैच मैक्सवेल कितना मार है, कह रहा है तो आराम से मैच जीत जाएगा, ये हो गया वो हो गया। उस वक्त जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की बल्लेबाजी शायद शुरू हो रही थी, शुरू होने लगी थी उससे पहले न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी चल रही थी। क्या होता है जी उसके बाद जब मैक्सवेल आउट होता है, उसके बाद डुप्लेसी आउट होता है, मैच ही सारा लगा जाता है। शहबाज अहमद को ऊपर भेजते हैं, वो भी मैच को आपको जिसको कहते हैं जितवा के नहीं आ पाता, दिनेश कार्तिक आपका मैच जितवा के नहीं आ पाता, दिनेश कार्तिक वो कार्तिक नहीं रहा जो पिछले सीजन में था, यही बहुत वजह होती है जब आपका प्लेयर एक साल पूरी क्रिकेट ना खेले तो फिर यही होता है लास्ट में T20 से जिता के आना चाहिए मैच। ये बार बार ऐसे मौके, ये वर्ल्ड कप अभी दिनेश कार्तिक ने खेला है, ये खेला है वर्ल्ड कप में भी कोई फोकस नहीं थी, उसने सोचना पड़ना दिनेश कार्तिक को भी कमेंट्री खाली किया करें। खैर आरसीबी हार गई, दुख तो हुआ लेकिन फिर भी एक्स फैक्टर के तौर पे मैंने ऋतुराज और कॉनवे को चूज किया था, कॉनवे चल गया। रही बात आज के मैच की, आज है जी मैच सनराइजर वर्सेस मुंबई, मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। अलबत्ता आप संडे को आए नहीं थे, संडे को आपकी दोनों प्रेडिक्शंस गलत हुई थी। संडे को आपका जिसको कहते हैं ना आपने मुंबई की जगह केकेआर को पिक किया था, केकेआर हारा। उसके बाद आपने पंजाब की जगह जिसको कहते हैं ना आपने पंजाब को पिक किया था, मैंने राजस्थान को पिक किया था और राजस्थान जीत गया था। नहीं पंजाब का मैच नहीं था, राजस्थान का मैच था गुजरात के साथ था, गुजरात के साथ था, आपने गुजरात को पिक किया था, मैंने उसको भी राजस्थान को पिक किया था, हार गया था। हाँ हार गया था गुजरात, और शिमरन हिटमैन ने हिट की थी, तो मतलब कि लेकिन आरसीबी ने धोखा दे दिया ना, प्रेडिक्शन मेरी गलत करवा दी। क्या जो ना था वो हो गया। आज है मैच मुंबई वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, एक तरफ हैडी ब्रुक की सेंचुरी, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की फॉर्म वापस आ गई है, तो एक तरफ रोहित शर्मा की भी फॉर्म जिसको कहते हैं, बताइए ईशन किशन की भी फॉर्म वापस आ गई हुई है, और मुंबई अपना मैच जीत गया हुआ है। दूसरी तरफ सनराइजर वाले भी मैचेस जीते, पिछले मैच में उन्होंने बड़ा मारा था। क्या लगता है दुल्ला भाई आपको? मुझे लगता है मुंबई इंडियंस जीतेगी। मुंबई इंडियंस आज क्यों जा रहे हैं आप मुंबई इंडियंस के साथ? बेशक हैरी ब्रुक ने अच्छा खेला है, वो अपनी जगह उसने सेंचुरी की है नो डाउट, लेकिन मैं फिर भी मुंबई इंडियंस के साथ ही जाऊंगा कि भाई मुंबई इंडियंस, फिर मैं वही बात कहूंगा कि इंडिया की अपनी मिट्टी है उसमें, तो उस इंडिया के सारे जो बैट्समैन आते हैं पहले शुरू में सारे फॉर्म में आ गए हैं। हाँ फॉर्म में आ गए हैं, बड़ी बात। उधर सिर्फ हैरी ब्रुक फॉर्म में है, इधर सारे फॉर्म में आ गए हैं। एडन मार्करा भी फॉर्म के अंदर है, वो बेशक है, राहुल त्रिपाठी भी है, बाकी प्लेयर्स का इतना नहीं है, लेकिन है मैच हैदराबाद के अंदर। रही बात एक्स फैक्टर की, तो भाई सबसे पहले तो सनराइजर हैदराबाद से हैरी ब्रुक, दूसरा एडन मार्करा, और तीसरा मुझे लगता है कि इनका जैसा कहते हैं ना मार्को जॉनसन जो बॉलर, तीनों ओवर सीट में चूज कर रहा हूँ। रही बात मुंबई इंडियंस की, नंबर वन पे सूर्य कुमार यादव, नंबर दो पे कैमरून ग्रीन, और नंबर थ्री पे मेरा रोहित शर्मा। आप क्या है? आपने मेरे वाले ले लिए ना, मैं भी हैरी ब्रुक को ही चूज करने लगा था, और तो सूर्य कुमार यादव को करने लगा था, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा को। चले जी आपके भी आ गए, आपने जरूर बताना आज का मैच कौन जीतेगा। हैदराबाद करता मैच है फिलहाल के लिए, मैं ज्यादा दीजिए, इंशाल्लाह रात को जुड़ेगा, तब तक के लिए अल्लाह।